हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो एसएससी एग्जाम्स में आते हैं प्री में और मेंस में, उनको आप आसानी से और एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैंने एसएससी सीजीएल 2017 का टीयर वन का एक रियल पैसेज लिया है और ये एग्ज़ाम हुआ था 6/8/2017 को, मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। इसका एक रियल पैसेज मैंने लिया है और इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन को। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये है एक पैसेज और पैसेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस समय सीजीएल में आपको, अगर हम प्री की बात करें तो प्री में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे प्री में, और उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी इसको आप डिवाइड करें तो आपको 36 सेकेंड यानी 36 सेकेंड में एक क्वेश्चन करना है। अब पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं यानी 180 सेकेंड यानी 3 मिनट में इस पैसेज को करना है, लेकिन आप 5 मिनट ले सकते हैं क्योंकि जो सरल क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आप टाइम निकाल के पैसेज के लिए आप 5 मिनट का टाइम आप निकाल सकते हैं। तो 5 मिनट के टाइम में 4 मिनट आपको पैसेज को देना है, ठीक है, और 1 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है। ये आपका मेथड होना चाहिए। 4 मिनट में पूरा पैसेज आपको पढ़ना है और 1 मिनट में आंसर्स आपको देना है, क्योंकि आंसर्स, यदि पैसेज आपको समझ में आ जाता है तो आंसर्स आप आसानी से आप टिक कर सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को इम्प्रूव करने के लिए देखिए, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि हिंदू वोकैबुलरी पढ़ी जाए या हिंदू के न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए या टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ा जाए, लेकिन उससे अच्छा रहता है कि स्टोरी बुक्स आप पढ़ें। जैसे चंपक एक स्टोरी बुक आती है, ठीक है, इस तरह की जो स्टोरी बुक्स आती हैं या एनसीईआरटी की बुक्स हैं या चंपक है या इस तरह की जो छोटी बुक्स हैं, उनको पढ़ना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा बनिस्पत द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया के, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसेज होते हैं वो स्टोरी बेस्ड ही होते हैं। अब यहाँ से देखिए, इस पैसेज को पढ़ते हैं। आई हैड सीन दिस रोड मैनी ईयर्स अगो व्हेन माय पेरेंट्स मूव टू। अब देखिए, इसमें एक नाम दिया है, इसको थोड़ा सा सावधानी से आप समझिए। इसमें एक नाम दिया है यहाँ पर, और ये नाम जो है हालांकि किसी प्लेस का नाम है, लेकिन कितना लंबा ये नाम है, मुंडा कोटू कुरुसी, मुंडा कोटू कुरुसी, ये शायद साउथ इंडिया में कोई प्लेस है, ठीक है, तो उसका नाम दिया है। इस तरह के नाम पैसेज में इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट को डराया जा सके, स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके या स्टूडेंट को थोड़ा सा नर्वस किया जा सके और ये देखा जा सके कि स्टूडेंट किस तरीके से अंडर प्रेशर काम करता है। तो ये सिंपल सा एक प्लेस का नाम है, ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि आई हैड सीन दिस रोड मैनी ईयर्स अगो व्हेन माय पेरेंट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। मतलब इस रोड को मैंने पहले भी देखा था जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मूव हुए थे, यहाँ पर रहने आए थे, इस गांव में रहने आए थे, ठीक है। ये पास्ट की बात चल रही है, इसमें पास्ट में कोई स्टोरी बता रहा है और वो पास्ट में जो स्टोरी बता रहा है वो भी पास्ट टू पास्ट है। सपोज 5 साल पहले कोई स्टोरी बता रहा है और 5 साल पहले वो 10 साल पहले की स्टोरी बता रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट टू पास्ट, ठीक है, पास्ट की स्टोरी ये बता रहा है इसमें। तो इसलिए यहाँ पर हेड आया है, आई हैड सीन दिस रोड मैनी ईयर्स अगो When my parents moved to this particular place, our ancestral village, ये उनका पैतृक गांव था, ठीक है, मुंडा कोटू कुरुसी ये इनका पैतृक गांव था, यहाँ पर ये ऑथर ये स्टोरी को लिख रहा है। However, in those early years, लेकिन फिर भी in those early years, I hadn't begun exploring the countryside, लेकिन मैंने अपने बचपन के दिनों में एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया था। किस चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया था? कंट्री साइड को। कंट्री साइड हम बोलते हैं गाँव का जो प्लेस होता है, उसको मैंने एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया था। आई स्टोर्ड द अननोन रोड इन माई हैड अंडर वन डे आई विल। जैसे हम किसी चीज़ का नोट बनाते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम डायरी में लिखते हैं तो उसका एक टाइटल देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम दे सकते हैं माई नोट्स या माई इम्पोर्टेंट नोट्स, माई इम्पोर्टेंट बुक्स। तो इस रोड को जब वो विजिट कर रहा था ऑथर, तो उसने इस गाँव को देखा नहीं था या यहाँ की जो रोड्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया था, उनको अच्छे तरीके से देखा नहीं था। तो इसलिए ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने इस गांव की या इस अननोन रोड की इमेज वन डे आई विल के नाम से अपने दिमाग में स्टोर कर ली,
जैसे हम किसी चीज़ को डायरी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो वन डे आई विल क्या है, वन डे आई विल यहाँ पर एक अननोन रोड का नाम है जिसको वो एक्सप्लोर करना चाहता है। 10 ईयर्स अगो, अब देखिए यहाँ पर 10 ईयर्स अगो इसलिए लिखा है क्योंकि ये पास्ट टू पास्ट है, मतलब 5 साल पहले कोई स्टोरी बता रहा है और 10 साल पहले की कोई स्टोरी बता रहा है, 5 साल पहले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो व्हेन आई रिकवर्ड फ्रॉम हर्निएटेड डिस्क। देखिए यदि आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि हर्निएटेड डिस्क क्या होता है। हर्निएटेड डिस्क एक बीमारी होती है एक्चुअली, जिसकी वजह से बैक पेन और टांगों में दर्द वगैरह होता है। व्हेन आई रिकवर्ड फ्रॉम हर्निएटेड डिस्क, मतलब 10 साल पहले मैं रिकवर कर गया हर्निएटेड डिस्क से, इस बीमारी से। इट वॉज टू डिस्कवर दैट आई हैड अ यूजलेस लेफ्ट लेग, लेकिन इस बीमारी की वजह से उसका उसका जो लेफ्ट लेग था वो यूजलेस हो गया, वो बेकार हो गया, ठीक है। दो आई मैनेज टू लूज द लिम्प, आई हेटेड नॉट बींग एबल टू स्ट्राइड अराउंड एज आई यूज टू। हालांकि मैंने एक अपना पैर खो दिया था, उसको मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन मुझे इस चीज़ से नफरत थी कि मैं अब वैसा नहीं चल सकता जैसा कि पहले मैं चलता था। स्ट्राइड का मतलब होता है बड़े बड़े कदमों से चलना, स्ट्राइड अराउंड, ठीक है। तो मुझे इस फैक्ट से नफरत थी कि मैं अब वैसे नहीं चल सकता जैसे कि मैं पहले चलता था। आई नीडेड ए चैलेंज टू टेल माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू बकल टू अ क्रीचर कॉल्ड साइटिका। देखिए साइटिका हम इसी को बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ऑथर क्या बता रहा है, यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि मेरा जो दर्द होता था, मेरे को जो साइटिका जो बीमारी थी उसके उसके प्रेशर में मैं झुकने वाला नहीं था, ठीक है। बकल टू ए क्रीचर, क्रीचर का मतलब एक एनिमल की तुलना की है, चूँकि यहाँ पर एक स्टोरी बता रहा है और बहुत क्रिएटिव तरीके से एक ऑथर अपनी स्टोरी बता रहा है, तो इसलिए उसने चीज़ों को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से पेश करने की कोशिश की है। साइटिका क्या है, साइटिका एक साइटिका की तुलना उसने एक एनिमल से की है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला कि आई नीडेड ए चैलेंज टू टेल माई सेल्फ दैट आई वॉजेंट गोइंग टू बकल, बकल का मतलब प्रेशर के अंदर आ जाना, प्रेशर में झुक जाना, टू अ क्रीचर कॉल्ड साइटिका। मैं साइटिका का जो दर्द है, साइटिका की जो बीमारी है मुझे, मैं उसके प्रेशर में अब आने वाला नहीं हूँ। दस द वन डे आई विल अराइव, देखिए इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से आपको समझना है। उसने अपने दिमाग में जो इमेज बनाई हुई थी, अपने दिमाग में जो स्टोर करके रखा हुआ था कि वन डे आई विल, मतलब मैं इस अननोन रोड को एक दिन एक्सप्लोर करूंगा, और वो चीज़ उसके दिमाग में आ गई कि ठीक है अब इसको एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। तो वन डे आई विल अराइव का मतलब है कि वो जो इमेजिनेशन थी, वो जो विचार था वन डे आई विल अराइव, वो उसके दिमाग में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक इसको ऐसे समझना है, थोड़ा सा ये इस तरह के पैसेज बहुत आते हैं SSC एग्ज़ाम में, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। वेयर डज द रोड बाय द मेडिकल शॉप लीड टू, मेडिकल शॉप के बगल में ये रोड जाती है, ये कहाँ जाती है। आई आस्क माई पेरेंट्स वाइल विजिटिंग देम नेक्स्ट, और जब मैं अगली बार अपने पेरेंट्स के साथ गाँव जा रहा था तो मैंने पूछा उनसे कि ये मेडिकल शॉप के बगल में ये रोड है, ये कहाँ जाती है। चालावरा दे सैड, मतलब ये रोड चालावरा जाती है। अब इसमें एक एंटिटी और आ गई चालावरा, इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस स्टोरी को इसमें एक चालावरा नाम की एक जगह है उसका भी मेंशन इसमें दिया गया है। इट इज़ नॉट एन ईजी रोड टू वॉक ऑन, ये सरल रास्ता नहीं है जाने के लिए। उसके फादर उससे बोल रहे हैं, ऑथर से, माई फादर एडिड देर आर टू मैनी अप्स एंड डाउन्स, मतलब इस रोड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। चालावरा वॉज अ सुपीरियर ग्रेड ऑफ ए विलेज, चालावरा जो था वो एक अच्छा विलेज था एज कम्पेयर टू मुंडा कोटू कुरुसी, मुंडा कोटू कुरुसी से थोड़ा सा अच्छा विलेज था ये चालावरा। उसके गांव के पास ही कहीं पर एक जगह होगी, उसके बारे में उसका मेंशन किया जा रहा है। विद ए हाई स्कूल, अ फाइन लाइब्रेरी, ATMs एंड सेवरल शॉप्स, बट इट ऑल्सो हैज़ टू अप्रोच रोड्स, मतलब चालावरा जाने के लिए दो अप्रोच रोड्स थी, एक तो वो रोड जिस पर ये जा रहा है और एक रोड और कोई होगी, ठीक है। द वन दैट आई हैड चोजन वॉज ए नैरो बैक रोड यूज्ड बाय द लोकल्स एंड दे सेटल इट फॉर मी, आई नीडेड टू नो फॉर माई सेल्फ आई कुड वॉक अ रोड दैट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, मतलब मैं खुद अपने आप को तसल्ली देना चाहता था, जानना चाहता था कि मैं इसी रोड पर चल सकता हूँ जिसमें चलना आसान नहीं है। एंड द नेक्स्ट डे आई वुड गेट अप एंड वॉक दैट रोड अगेन, और अगले दिन मैं उठा और उस रोड पर फिर से चला। तो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यदि आप ध्यान दें सारी चीज़ों को तो बहुत आसानी से। अब देखिए इसको पढ़ने में मुश्किल से मुझे 3 मिनट का टाइम लगा होगा, अब 2 मिनट का टाइम और बचा है आपके पास, उसमें आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। व्हाट इज साइटिका, एक्चुअली इसको बोलते हैं साइटिका, क्या है साइटिका, हर्निएटेड डिस्क का नाम है, एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी।
वेयर डिड द फोर फादर्स ऑफ द राइटर लिव, राइटर्स के जो फोर फादर थे वो कहाँ रहते थे, उनका पैतृक गांव कौन सा था, एंसेस्ट्रल गांव कौन सा था। चालाबरा नहीं था, बेंगलुरु का तो खैर मेंशन ही नहीं है, उनका जो पैतृक गांव था ये था मुंडा कोटू कुरूसी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आप सारे आंसर्स कर सकते हैं यदि आपको पैसे समझ में आए तो। वॉट डिसेबिलिटी डिड द राइटर सफर ड्यू टू द हर्निएटेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क की वजह से उसको क्या डिसेबिलिटी पैदा हो गई थी राइटर को। आ यूजलेस लेफ्ट लेग, उसका जो लेफ्ट लेग है वो खराब हो गया था, उससे वो चल नहीं पाता था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ए। वन डे आई विल इज द टाइटल ऑफ, वन डे आई विल क्या चीज है, वन डे आई विल जो है वो अननोन रोड के लिए उसने बोला था, जिस रोड को वो एक्सप्लोर करना चाहता था उसके लिए उसने बोला था वन डे आई विल। अब देखिए यदि आपने आसानी से कर लिया, आपको पूरा पैसे समझ में आ गया है, तो अब आसानी से सारे आंसर्स को बिल्कुल सही सही और बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। वॉट मेक्स चालाबरा बेटर देन मुंडा कोटू कुरूसी, चालाबरा किस तरीके से मुंडा कोटू कुरूसी से अच्छा था। अरे भाई वहाँ पर फाइन लाइब्रेरी थी, एटीएम थे, वहाँ पर सेवरल शॉप्स थी, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ए। तो यदि आप पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं सही तरीके से, सही तरीके से आप समझ लेते हैं, तो पैसेज इज नॉट ए बिग हेडेक, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और इस तरह के पैसेज की मैं काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस अपने टारगेट बैच में करा रहा हूँ। यदि आप टारगेट बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात भी कर सकते हैं नंबर्स पर, ये मेरे कॉल व्हाट्सएप एंड पेटीएम के नंबर्स हैं। और इसमें आपको पूरा इंग्लिश और पूरा जीके इसमें पढ़ाया जाएगा, और इसमें दो बैच हमारे चल रहे हैं, एक टीयर वन के लिए है और एक पूरा एंड तक है, टीयर वन टीयर टू और टीयर थ्री के लिए। तो जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहें 25 जुलाई से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं और कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।